मिथिलेश कुमार, पिता का नाम हलसी। कहाँ ये वर्दी कहाँ तुमको मिले? दोस्तों, बिहार के जमुई जिला से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जमुई के सिकंदरा पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया, जो 2 लाख रुपए देकर आईपीएस अधिकारी बना था। पुलिस की पूछताछ के बाद जो फैक्ट सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अब जमुई पुलिस उस गिरोह का भंडाफोड़ करने में लगी है, जो युवकों को ठगी का शिकार बनाकर आईपीएस बना देती है। दरअसल दोस्तों, मिथिलेश कुमार नाम का ये शख्स लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के गोवर्धन बीघा गाँव का रहने वाला है। वह आईपीएस की वर्दी पहनकर और कमर में पिस्टल लटकाकर अपने करीब 2 लाख की बाइक पर बैठकर घर से निकला। इस दौरान वह सिकंदरा चौक पर किसी काम से रुका और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। फिर लोगों को मिथिलेश का हुलिया देखकर कुछ अटपटा लगा। इस दौरान किसी ने सिकंदरा थाना अध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह को इसकी सूचना दी। इसके बाद सिकंदरा पुलिस ने मिथिलेश कुमार को सिकंदरा चौक से धर दबोच लिया। जमुई पुलिस अब इस लड़के से गहन पूछताछ कर रही है। मिथिलेश कुमार से बातचीत के दौरान जो बातें सामने आई हैं वो बेहद गंभीर और चौंकाने वाले हैं। फर्जी आईपीएस के रूप में गिरफ्तार युवक मिथिलेश कुमार ने बताया कि खैरा इलाके के मनोज सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उसे पुलिस में नौकरी लगने का ऑफर दिया था और इस एवज में उससे 2,30,000 रुपए की मांग की गई थी। मिथिलेश ने अपने मामा से 2 लाख रुपए लेकर मनोज सिंह को दिया ताकि उसकी नौकरी पुलिस में लग जाए। मनोज सिंह ने उसके शरीर का नाप लिया और उसके दूसरे दिन बुलाकर उसे आईपीएस की वर्दी, आईपीएस का बैज और पिस्टल दिया। मिथिलेश वर्दी पहनकर खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर फिर मनोज सिंह से मिलने के लिए निकल पड़ा। मिथिलेश ने कहा कि उसे वर्दी पहनकर मनोज सिंह ने बुलाया था और बाकी के 30,000 रुपए की मांग कर रहा था। मिथिलेश उससे ही मिलने जा रहा था और कुछ देर के लिए सिकंदरा चौक पर रुका, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ सतीश सुमन ने बताया, फर्जी आईपीएस की वर्दी में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। अगर मिथिलेश कुमार ने सही मायने में 2 लाख रुपए देकर फर्जी आईपीएस की वर्दी ली है तो जमुई पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि पुलिस उस गिरोह का भंडाफोड़ करे। अपने ड्यूटी के लिए अब सिकंदरा चौक पर चले थे। नहीं नहीं नहीं, अभी हम उसी के पास जा रहे थे, पैसा बोला, पैसा तो वर्दी पहन के जा रहे थे। हाँ, वही बोला था, वर्दी पहन के। हाँ हाँ, घर वाला पता नहीं था।